गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं स्टॉक आपको बता देता हूँ। स्टॉक जो है आप लगा लीजिए अपने वॉचलिस्ट में। सबसे पहले कौन सा है? कोल इंडिया, बायोकॉन, कोलपाल, पीवीआर, एलटीटीएस, विप्रो, एनटीपीसी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी भी रखना चाहते हैं तो रख लीजिए और फटाफट ऐड कर लीजिए क्योंकि अभी टाइम बचा नहीं है, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर लीजिए, फिर मैं लेवल दिखा देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस यस सर, यस सर, हाँ, ये ऐड कर यस लीजिए। और इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सर, अभी मार्केट थोड़ा गैप से खुल रहा है क्योंकि निफ्टी भी 17,167 से रेजिस्टेंस लेने वाला है, तो वहां के आसपास ही खुल रहा है। 50 पॉइंट का गैप है, उसको देखते हैं हम क्या करते हैं। ये ऐड कर लीजिए फटाफट। हो गया ऐड? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। यहाँ लिखा हुआ दिख नहीं रहा आपको स्क्रीन पे? तीन हाँ सर, तीन ही दिख रहा है सर। क्यों दिख रहा है? कोल इंडिया दिख रहा है, बायकॉन दिख रहा है, कोलपाल दिख रहा है आपको, पीवीआर, एलटीटीएस, विप्रो, एनटीपीसी, निफ्टी। राइट साइड में देखो तो सही, सबको दिख रहा है? जी हाँ जी, सर, यस सर, यस सर। बिल्कुल, 50 मिनट यस सर। लगे क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। चार मिनट में आपको समझा दूंगा, फिर देखें क्या करेंगे। हाँ जी सर, हो गया, ओके ठीक है, सबका हो गया? यस सर, ओके जी ठीक है। सबसे पहले मैं निफ्टी बता दूं, ठीक है? निफ्टी में देख लीजिए, निफ्टी में ऑलमोस्ट ये दो, अभी तो दो ही लेवल निकाले, ऊपर का एक लेवल और है 17,287 का, ठीक है? इसको छोड़ देते हैं। निफ्टी खुल का रहा है, निफ्टी यहाँ खुल रहा है, ठीक है? रजिस्टेंस के पास खुल रहा है, कोई बाइंग मत करना, ठीक है? यहाँ पे पैटर्न कुछ बनेगा, प्राइस एक्शन होगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा सेल करना है या नहीं करना, या फिर बाइंग करना है, क्या भी कुछ भी करना है। अभी प्राइस जो है बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास खुल रहा है, कुछ भी अभी करना नहीं है। ओके, निफ्टी के इस तरीके से देख लीजिए। देन एनटीपीसी, जी हाँ एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी का टारगेट काफी ऊपर तक है, मीन्स यहाँ से लेकर 158 से लेकर 160 खुल ही आ रहा है। सर, अगर या कौन है यार ये? ध्यान से सुन लो मेरी बात, आवाज आ रही मेरी? यस क्लियर सर, सर आ आ रही है। रही, यस यस सर, सर, क्लियर क्लियर सर, हाँ ठीक है। यस सर, एनटीपीसी, एनटीपीसी मेरा बाई यहीं से बनता था, मार्केट थोड़ा गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुलने के बाद थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बीचों बीच में कोई बाइंग नहीं बनता क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा यहाँ का हो जाएगा, फिर बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर थोड़ा डिप मिलती है या फिर प्राइस एक्शन होता है तो हम बाइंग करेंगे। इनमें से बायोकॉन को छोड़ के जितने भी स्टॉक्स है वो सारे बाइंग में है, बायोकॉन सिर्फ सेलिंग में जाएगा प्राइस एक्शन होने के बाद, बाकी सब बाइंग में है। देन ये आपका एनटीपीसी हो गया। विप्रो, विप्रो मैं बताता हूँ खुल का रहा है, देखो विप्रो कितना ऊपर खुल रहा है, मेरे टारगेट के पास खुल रहा है, ठीक है? अब प्राइस एक्शन होने के बाद मैं वेट करूंगा, अगर यहाँ खुलता तो विप्रो मेरा बाइंग था और बहुत अच्छा खासा बाइंग था। ओपनिंग में यही दिक्कत होती है कि जब गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उसके बाद पेशेंसली वेट करना पड़ता है कि वेट करने के बाद प्राइस एक्शन जिधर होगा उधर ही जाएगा, बट ऑलमोस्ट नियर बाय टारगेट के पास खुल रहा है और यहाँ पे प्राइस एक्शन होने के बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, प्राइस एक्शन होने के बाद देखेंगे कि हम क्या करना है, बाई करना सेल करना है। सेम एलटीटीएस को आपको मैं दिखा देता हूँ, एलटीटीएस भी बीचों बीच खुल रहा है, ठीक है? अब देखते हैं कि प्राइस फर्स्ट 5 मिनट के अंदर में टारगेट अचीव कर देता है या फिर एक डिप लगाता है, डिप लगाता है तो बाई करेंगे। सेम पीवीआर की नॉर्मल ओपनिंग है, पीवीआर को हम बाई कर सकते हैं, ठीक है? प्राइस एक्शन होने के बाद आराम से पीवीआर को हम बाई कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा खासा टारगेट आएगा। कोलपाल के लिए, कोलपाल भी नॉर्मल ओपनिंग हो रहा है और कोलपाल का भी एक अच्छा टारगेट है। कोल इंडिया कहाँ खुल रहा है? ऑलमोस्ट टारगेट के पास खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है। मार्केट ओपनिंग से पहले की मैं बात ये बता रहा हूँ, तो ये सब चीजें कर लीजिए। सब चीजें तो ऑलमोस्ट कुछ बीच में खुल रही है, कुछ टारगेट के पास खुल रही है, तो प्राइस एक्शन होने देंगे, वेट करेंगे, जैसा भी बनेगा मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने लेवल प्रॉपर मार्क कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि टाइम है। आधी स्क्रिप्ट तो बीचों बीच खुल रही है, आधी टारगेट के पास खुल रही है, एक दो स्क्रिप्ट है जो कि लोअर एंड पे खुल रही है, तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, और इनमें अच्छा खासा पैसा बनेगा प्राइस एक्शन होने देने के बाद। कोई भी हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा, आप डिस्कस करो। मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, सर, गौरव बोल रहा था म्यूट कर रहा हूँ अभी के लिए। हाँ बताइए। सर, पीवीआर का एक बार और बता दीजिए। पीवीआर देखिए, पीवीआर यहाँ पे है ना, पीवीआर खुल कहाँ रहा है? पीवीआर यहीं पे खुल रहा है जहाँ पे मैंने मार्क करके, एक मिनट डाल देता हूँ। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बाई कर लेंगे इसको, ये प्राइस एक्शन यहाँ पे। पीवीआर अच्छा, पहला टारगेट यहाँ के आसपास,
1765 के आसपास बनता है पहला टारगेट, दूसरा अगर निकलता तो इसके ऊपर जाता है, तो उसी बेसिस पे हम कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक अभी के यू। लिए मैं क्या कर, अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ, मार्केट खुलने वाला, फिर देखते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तब तक आप डिस्कस कर सकते हैं, क्लास चलेगी 12 बजे तक, कोई बात नहीं। मेरी आवाज आ रही सभी को? यस सर, मैं सुन ही नहीं रहा था, सुन ही रहा था सब लोगों को कि क्या बात करते हैं। ओके, तो कल रात को जो मैंने आपको बताया था, कुछ डिस्कस किया था कि जब भी किसी भी लेवल से प्राइस प्राइस इनबैलेंस हो या फिर बैलेंस हो, जब आपको नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना चाहिए, हाई और लो रेंज मार्क करना चाहिए, रेंज मार्क करना चाहिए, 1120 का। क्या करना चाहिए अगेन? 1120 का हाई लो मार्क करना चाहिए। कल रात को क्या पढ़ाया था कि जब भी किसी भी लेवल पे अगर आपको प्राइस समझ में नहीं आए, ठीक है, तो आपको हमेशा आपको रुक जाओ, हमेशा आपको रेंज मार्क कर लेनी, एक हाई एक लो मार्क करके रखना, जैसे निफ्टी का यही है ना। यस, यही रात को बोला था, तो उसी रेंज में निफ्टी एक हाई पॉइंट बना रहा है, एक रेंज, जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा ऊपर या नीचे, तब तक निफ्टी बड़ा मूवमेंट नहीं देगा, तब तक आपको रेंज के हिसाब से ही ट्रेड करना है। रेंज मीन्स यहाँ पे सेल किया तो यहाँ तक का टारगेट आ गया, यहाँ पे सेल किया तो यहाँ तक का टारगेट, जस्ट ऐसे ही करना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो इसकी बड़े टारगेट के लिए, टारगेट आपका रेंज में है, सारे ऐसे मतलब छोटे छोटे जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो पैसे भी नहीं मिल रहे और स्टॉप लॉस भी लगे जा रहे हैं, तो छोटे हम लेते नहीं, बड़े कभी हम मिलते नहीं, ऐसे ही होता ना। उसका रीजन ये है कि हम किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करने के करने से पहले इंट्राडे में उस स्क्रिप्ट का मूवमेंट आपका साइडवेज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपका नेगेटिव। अब साइडवेज के साथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट एक डायरेक्शनल मूवमेंट भी हो सकता है, एक डायरेक्शनल मूवमेंट डाउनवर्ड भी हो सकता है, हो सकता है ना। यस सर, हाँ, तो सेम यही कि आपका एक रेंज निकल गया मॉर्निंग के अंदर, उस लेवल के जो लेवल आपका, ये लेवल मार्किंग मैंने पहले से करके दिया आपको, ये लेवल मार्किंग के प्राइस जस्ट ऊपर है, ठीक है, इट इज फॉल्स ब्रेकआउट, ओके, देन प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं आया तो प्राइस ने एक रेंज बना दी, ये रेंज हमें 11 बजे ही मिल गई। देखा जाए तो ये रेंज आपको मिल गई ऑलमोस्ट 10 बजे ही, उस रेंज के हिसाब से वो ही ट्रेडिंग चल रही है, टॉप पे सेलिंग बॉटम पे भाई, जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे। अगेन मैं ये बोला हूँ, कल रात को मैंने दोबारा बोला हूँ, कल रात को यही सिखाया था एडिशनली आपको समझा करके, कि जब भी आपको प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो आप हमेशा एज ए रेंज आप ट्रेड करिए, एक रेंज हाई एक लो, इस रेंज के ऊपर या नीचे जाएगा तो आपको कैसे ट्रेड करना है, वो सारे आपके 13 टाइप के एंट्री जितनी भी चीजें हैं वो सब आपकी हो चुकी है, ठीक है, वो रेगुलर बेसिस पे रिपीट हो रही है। सेम अगर मैं बाकी स्टॉक्स की बात करूं, ठीक है, तो पीवीआर, आपको पीवीआर बताया था मैंने, यस सर, यस सर, ठीक, तो पीवीआर ये लेवल मार्किंग इसमें नहीं कर रख के रखा होगा मैंने, आपने किया होगा तो दिखाया होगा शायद, तो पीवीआर आप देखिए उसी लोअर लेवल से प्रॉपर आपका बाइंग देखे गए, अच्छा खासा प्राइस देखे गया, कंफर्मेशन के बाद तो देखे गया, पीवीआर लिया है किसी ने? किसी ने तो लिया होगा, जी सर लिया था। हाँ ठीक है, सेम अगर मैं कोल इंडिया की बात करूं, तो कोल इंडिया देख लीजिए क्या बोला मैंने, कि कोई प्राइस एक्शन नहीं है, जब नीचे आएगा उसके बाद हम कोल इंडिया को बाई करेंगे, और कोल इंडिया क्या हुआ, ऊपर गया। ये सारे स्टॉक बाइंग के थे, कहने का मतलब जबरदस्ती अब प्राइस नीचे जा रहा आप सेल कर देते तो फिर उल्टा हो जाता ना, तो मैंने आपको बोला कि कोल इंडिया बायोकॉन एक सेल का है, ठीक है, लेकिन अभी बायोकॉन को सेल नहीं करेंगे, बायोकॉन को सेल कहां करेंगे हम? सर यहां पे, अरे यहां ये कल कल से मैं, हाँ कल से मैं भी बैठा हूं इसमें, और लेकिन इसमें मिल ही नहीं रहा, यहाँ पे आएगा तो फिर बाइंग करेंगे, ठीक है। कॉल पाल में अभी कंसोलिडेट करा कुछ भी नहीं है, ना बाइंग ना सेलिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो ऐसे ही चल रहा है, जहां पे है वहीं पे है, ठीक है। एलटीटीएस देखिए मैंने क्या बोला, बीचो ये मार्क करके रखा ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, Yes, नीचे आएगा प्राइस एक्शन होगा तो उसके बाद देखेंगे, तो देखिए पैसा दे दिया इसने भी। विप्रो देखिए, विप्रो खुला ही टारगेट के पास, क्या करोगे, सुबह ये बोला ना कि मार्केट में खुला ही टारगेट के पास है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, नीचे आएगा तो करेंगे बट बीचों बीच है तो नो ट्रेडिंग, इसमें विप्रो में कोई ट्रेडिंग नहीं, तो ऐसे पेशेंसली वेट भी करना, कोई जबरदस्ती तो जब ट्रेडिंग नहीं करना भी तो एक आर्ट है ना, हर 2 मिनट में ट्रेड चाहिए वो तो गेम्बलिंग है, ट्रेडिंग थोड़ी है। Yes, तो जो जो मैंने स्टॉक्स बताए उनपे लेवल्स पे जब आए हैं तो उनमें टारगेट्स आए हैं, लेवल्स पे नहीं आए तो ट्रेड ही नहीं बना, तो ट्रेड नहीं बना तो टारगेट की बात ही कैसे करेंगे, ट्रेड बनेगा तभी तो हम बात करेंगे। सेम अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं,
तो एनटीपीसी भी कोई लेवल पे नहीं है। एनटीपीसी अगर मुझे यहाँ मिल जाए गलती से तो मैं फिर बाय करूंगा, ये कोई लेवल ही नहीं है, ये नो ट्रेडिंग जोन में, नो ट्रेडिंग जोन में कभी भी ट्रेडिंग करोगे एसएल लगेंगे। और रिटेल ट्रेडर के साथ हमेशा यही होता है, ट्रेडिंग हमेशा जोन में होती है, नो ट्रेडिंग जोन में एसएल लगेंगे। सेम निफ्टी का देखो जैसा चल रहा है वैसे मैं बोला वैसे ही चल रहा है, एक रेंज है, उस रेंज के हिसाब से चल रहा है। तो जब भी आपका प्राइस मॉर्निंग के अंदर जितने भी आपको मार्केट सबसे की एरिया वैल्यू एंट्री एग्जिट जितने भी आपको पूरा सिखाया अब तक, उस बेसिस पे जब प्राइस आपको पूरा सेटअप समझाया पूरा एजुकेशन के बाद, तो उस सेटअप के बाद जब प्राइस उस सेटअप पे नहीं आए, प्राइस बीचों बीच हो या फिर ऊपर हो, तो वो नो ट्रेडिंग जोन में। जब नो ट्रेडिंग जोन में तो फिर वहां पे ट्रेडिंग करनी नहीं। तो नो ट्रेडिंग जोन में जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है एटलीस्ट आपको रेंज मार्क करनी है, उस रेंज के हाईएस्ट पॉइंट पे आफ्टर कंफर्मेशन सेल एंड लोएस्ट पॉइंट पे बाई, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने पर हम कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको मैं सिखा चुका हूँ। तो अब मिलते हैं हम इवनिंग में सेम 8:30 बजे, ठीक है? अभी तो काफी टाइम हो गया। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir.